कोलकाता की फैमिली है, मिलने की बड़ी इंटरेस्टिंग। अपनी इस तहकीकात में कोबरा पोस्ट रिपोर्टर ने अमित जानी से मुलाकात की। अमित जानी उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के प्रमुख हैं। खुफिया कैमरे के सामने कोबरा पोस्ट रिपोर्टर ने जब उनसे राज्य में ग्राम विकास अधिकारी के पदों में चल रही भर्ती में अपने 4-5 लोगों को नियुक्त कराने की बात की तो अमित जानी ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। बकौल अमित जानी वह इस तरह की नियुक्तियां पहले भी करा चुके हैं। अमित जानी के शब्दों में, अब पूछेंगे क्या है, एक समय था जब दिसंबर में 6-7 चल रहा था, लेकिन तब भी हमने 5 में बहुत सारे डन कराए थे। मैं बस अपने रिश्तेदार 4-5 और हैं, मतलब मान लो 4 तो मेरे पास है ही है, एक अमरोहा का है वो भी तैयार है, मैं तो उसको लाने, लेकिन वही है कि कैसे करना है सर आप बताइए। डिटेल में तो ये तो हमारा भाई बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर से हमारा है, ठीक है, पूरी डिटेल सब मतलब एक के दोगे सब के दोगे? अभी तो मैं आपको एक ही को दे रहा हूँ, क्या होगा क्या करना होगा आपको नहीं पता क्या चल रहा है? मुझे पता, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, एक तो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी से नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो ग्रेटर नोएडा मेरठ का जो एरिया है जिसे इन्होंने बना दिया है मंत्री, मंत्री से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाए तो जाए कहाँ जाए, हम जाए तो कहाँ जाए, ये तो दिक्कत हो रही है, इसलिए तो मैं आपको तब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप बता दीजिए उस हिसाब से फिर हम इंतजाम कर लेंगे और लोगों का, अपना तो हम डन ही कर रहे हैं एक तरह से भाई का, बाकी लोगों से हम बात कर लेंगे। अब पूछेंगे क्या है, एक समय था जब दिसंबर में तो वहाँ 6-7 लाख पर कैंडिडेट चल रहा था। अच्छा, लेकिन तब भी हमने 5 में बहुत सारे डन कराए थे। अच्छा, बहुत सारे डन आपने कराए, हुआ 5। कोलकाता की फैमिली है, ये मिलने की बड़ी इंटरेस्टिंग। अमित जानी की बात माने तो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती के लिए पैसे जा चुके हैं, सो वह पूछ कर बताएंगे कि और उम्मीदवारों को खपाने की गुंजाइश है या नहीं। उन्हीं के शब्दों में, अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि है या नहीं है, अभी इनसे सबका पेमेंट चला गया, पहले तो ये देखना पड़ेगा है या नहीं है, अगर है तो मतलब अभी उनपे मान ले सबका पेमेंट चला गया। अच्छा, पेमेंट चला गया भैया, चला गया और मान लिया कमिटमेंट हो गया। अच्छा, मेरे कमिटमेंट, मेरे काम के लिए वो किसी और से अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, अगर उन्हें अभी कुछ आवश्यकता है, अच्छा, कुछ लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं तो पहले तो बताएंगे हम कर सकते हैं, फिर अगर कर सकते हैं तो कितनों को कर सकते हैं और क्या लेंगे, ये बात मैं आज उनसे पूछ लूँगा। अच्छा, 9-10 बजे रात में। अमित जानी खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। उनका यह दावा गौर करने लायक है कि वो यह काम खुद मुख्यमंत्री के अधीन अधिकारियों से कराएंगे, लेकिन पहले वो उनसे बात करेंगे। अमित जानी कहते हैं बात कर लें, क्योंकि अभी आपसे कमिटमेंट कर और फिर ना हो पाए एक बार बात कर ली। लखनऊ मंत्री जी से? हाँ, ऑफिसर है। अच्छा, ऑफिसर है, उनके ऑफिसर ही बात करते हैं, मंत्री बात करते। अरविंद कुमार जी के? नहीं, मुख्यमंत्री के। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे और कोई नहीं साला, तब तो पक्का भैया हो जाएगा जब आप डायरेक्ट वहाँ से बात करके कराएंगे तो, जब मुख्यमंत्री जी ही यहाँ से होना है तो एक आदेश की बात है, वो एक आदेश ही तो बड़ा होता है, वो तो एक आदेश की बात है, एक छोटा सा तो चिड़िया बैठा देंगे हो गया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। बात कर लें, क्योंकि हम आपसे अभी कमिटमेंट कर लें फिर ना हो पाए तो और बात कर लें। तो मैं आपको कल फोन कर लूँ? अमित जानी ने रिपोर्टर को टोकन मनी के तौर पर 50% काम करने के पहले देने के लिए कहा। इसके बाद जब रिपोर्टर ने अपने रिश्वत के इस पैसे की गारंटी मांगी तो अमित जानी ने कहा, तो बीच में कोई नहीं है, मेरे के जिम्मेदार वही हैं जिन्हें मैंने दिया, मुझसे जो लेगा वो मेरे लिए जिम्मेदार है
और मैं जिनसे लूंगा उसकी ड्यूटी मेरी है। हम लोग के थोड़ा सा नजर रखते हैं। तो टोकन नंबर कितना दे देना होगा शुरू में? टोकन कितना देना पड़ेगा? बात हो जाए फिर भी परसेंटेज तो होता होगा ना, आप लोग पहले अगर किया होगा तो किया था 50% से जाता ही। तो 50% गारंटी सर उसी की जो बीच में है वही है पेंडुलम की तरह, मरेगा तो उसका फंसेगा तो उसका, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं ऐसा मालूम मैं हूँ, मेरा अपना कोई मामला है, मेरे और सीएम साहब के बीच में कोई नहीं है, मैंने जो है उन्हें दे दिया, तो बीच में कोई नहीं है तो मेरे के जिम्मेदार तो वही हैं जिन्हें मैंने दिया, मुझसे जो लेगा वो मेरे लिए जिम्मेदार है और मैं जिससे लेता हूँ वो इसकी ड्यूटी मेरी है।